आप सभी लोगों का एक नए ब्लॉग में स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे फरिया रेलवे स्टेशन की हर एक चीज़ों को। उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को स्किप और ना ही मिस करें, वीडियो को लास्ट एंड तक ज़रूर देखें। हम बात करेंगे फरिया रेलवे स्टेशन माल गोदाम की, जो अंग्रेजों के ज़माने से शिफ्ट किया हुआ आजमगढ़ में ये फरिया माल गोदाम जो ला दिया गया है। पहले ये आजमगढ़ पुराने स्टेशन अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए शिफ्ट किया गया था, लेकिन अब वहाँ से ला के इसको फरिया में शिफ्ट कर दिया गया है और आजमगढ़ का जो माल गोदाम था वो बंद हो चुका है। तो आपको कोई भी लगेज देना है या लेना है तो आजमगढ़ नहीं, आप फरिया जाएँ। फरिया में इसका ऑफिस भी है माल गोदाम का और बगल में स्टेशन भी है। तो हम आपको बताएंगे बहुत ही कमाल की नॉलेज। हमारे वीडियो के साथ आप जुड़े रहें, बने रहें। 10 जनवरी 2022 को इसका उद्घाटन हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण हम आपको ये बात बता देते हैं, जैसा मुझसे कई लोगों ने मैसेज करके पूछा कि सर फरिया में गोदाम रुकती है कि नहीं, कैफियत रुकती है कि नहीं, तो मैं आज इस वीडियो में उसको इस डाउट को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि फरिया रेलवे स्टेशन पे ना ही गोदाम रुकती है और ना ही कैफियत रुकती है, केवल पैसेंजर रुकती है। और वर्तमान टाइम में केवल पैसेंजर रुकती है और आगे जहाँ तक आशा नहीं पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर कैफियत भी रुकेगी और गोदाम भी रुकेगी और भी एक्सप्रेस रुकेंगी, क्योंकि सारे कार्य प्रगति पे हैं और प्लेटफॉर्म से लेके माल गोदाम से लेके सब कुछ बन चुका है, चालू हो चुका है और बेहद खूबसूरत है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद। अगर आप भी फरिया रेलवे स्टेशन जो पुराना था अगर उसको देखे हैं और आपके में क्या अंतर है हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये फरिया का माल गोदाम है और अभी आप देख सकते हैं माल गोदाम ट्रेन से ट्रक पर लोड हो रहा है, यहीं से जहां जाना होता है जाता है। तो आइए हम आगे भी आपको दिखाते हैं।